गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, चैप्टर 5 नॉर्दर्न प्लेन्स और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो लेट्स रिमेम्बर, आज हम क्या ले रहे हैं, लेट्स रिमेम्बर पॉइंट ले रहे हैं और पेज नंबर 78 पर है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, द नॉर्दर्न प्लेन्स कंसिस्ट ऑफ द सतलज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र पैसेज। जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं हमारे, उसमें क्या क्या आते हैं माने गए हैं, हमारी सतलज नदी आती है, गंगा आती है और ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है घाटी में वो सारी आती है इसमें। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर लोकेटेड टू द साउथ ऑफ हिमालयस। जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो कहाँ पे स्थित है, हिमालय के दक्षिण में स्थित है। रिवर सतलज एंड इट्स ट्रिब्यूटरी बीज फ्रॉम द सतलुज बेसिन। जो सतलज नदी है और उसकी जो सहायक नदी व्यास नदी है वो किस में आती है, सतलज बेसिन में आती है। ठीक है, सतलज जो बेसिन होता है वो एक घाटी के रूप में होता है जहाँ से हमारी सतलज नदी होता है या क्षेत्र हम जिसे कहते हैं, तो बेसिन से मतलब ही है। इट लाइज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। और ये किधर स्थित है, ये पश्चिमी जो पार्ट है हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स का उधर की साइड में स्थित है। द स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एंड यूनियन टेरेटरी ऑफ चंडीगढ़ आर लोकेटेड इन दिस बेसिन। अब हमारे अभी जो सतलज बेसिन का जो है उसमें कौन कौन सी स्टेट्स हैं, उसमें पंजाब है, हरियाणा है और चंडीगढ़ है। जो यूनियन टेरेटरी में आती है चंडीगढ़, वो भी इसी बेसिन में स्थित है। वीट, राइस एंड सुगर केन आर द मेन क्रॉप्स ऑफ द सतलज बेसिन। गेहूँ होते हैं यहाँ पे, चावल भी होते हैं, गन्ना होते हैं, जो यहाँ मुख्य फसल है इस बेसिन का, यानी सतलज बेसिन में। द गंगा बेसिन लाइज टू द ईस्ट ऑफ द सतलज बेसिन। हमारी जो गंगा बेसिन है उस वो किधर की साइड में स्थित है, ईस्ट में। किसके ईस्ट में, सतलज जो बेसिन है उसके ईस्ट में स्थित है। द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड एंड झारखंड आर लोकेटेड इन दिस बेसिन। हमारी जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, उत्तराखंड के जो भी पार्ट्स हैं कुछ और झारखंड के, वो सब इस बेसिन में स्थित हैं। कौन से बेसिन में, गंगा बेसिन में। वीट, राइस, प्लेसिस एंड सुगर केन आर द मेन क्रॉप्स ऑफ द सतलज बेसिन। गेहूं, चावल, दालें, सुगर केन जो मुख्य फसलें हैं सतलज बेसिन की। रिवर ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज फॉर्म द ब्रह्मपुत्र बेसिन। जो ब्रह्मपुत्र नदी है और उसकी सहायक नदियां हैं वो ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। इट लाइज इन द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। और ये स्थित है ईस्टर्न मोस्ट जो पार्ट आता है नॉर्दर्न प्लेन्स में, उसमें स्थित है। ठीक है, आसाम एंड प्लेन एरियाज ऑफ द स्टेट ऑफ त्रिपुरा आर इंक्लूडेड इन द ब्रह्मपुत्र बेसिन। आसाम और प्लेन एरिया जो है त्रिपुरा स्टेट के, वो भी ब्रह्मपुत्र बेसिन में इंक्लूड किए गए हैं, शामिल किए गए हैं। राइस, जूट, टी, फ्रूट्स लाइक बनाना, लीचीज एंड ऑरेंजेस आर ग्रोन हियर। देखिए यहाँ पे चावल भी होता है, जूट, टी, फ्रूट्स भी होते हैं, जिसमें बनाना होता है, लीची होती है और ऑरेंजेस होते हैं, वो यहाँ पे उगाए जाते हैं। फार्मिंग एंड कैटल रियरिंग आर द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। किस खेती करना और पशुओं को पालना यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है नॉर्दर्न प्लेन्स के लोगों का। ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक बाथिंग एंड वॉशिंग क्लॉथ्स ऑन द रिवर बैंक्स, थ्रोइंग वेस्ट वाटर इनटू द रिवर्स, इमर्सन ऑफ आइडल्स, थ्रोइंग फ्लावर्स एंड अदर पूजा मटेरियल इन द रिवर स्पॉइल वाटर। ह्यूमन एक्टिविटीज होती है जैसे कि नहाना, कपड़े धोना, जो नदी के किनारे पे जो कपड़े वपड़े धोते हैं तो वो करते हैं, थ्रोइंग वेस्ट वाटर जो थ्रोइंग करते हैं, गंदा पानी को फेंकते हैं नदियों के अंदर, और मूर्तियों का विसर्जन करते हैं, इमर्सन्स ऑफ आइडल्स यानी मूर्तियों का विसर्जन करना, और फूल वूल फेंकते हैं, और जो पूजा के मटेरियल्स होते हैं वो भी अगर पानी में फेंकते हैं तो उससे क्या हो जाता है, पानी गंदा हो जाता है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू भी क्या होता है, पानी गंदा होता है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ अवर रिवर्स, हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने नदियों के जो है, हमारी नदियां हैं उनकी क्या करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। ओके, तो ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसकी जो कुछ आपके जो प्रैक्टिस बुक है उसमें से प्रैक्टिस करेंगे इसकी। तो आप
ओके, तो प्रैक्टिस बुक का हम पार्ट ले रहे हैं, फिफ्थ वो चैप्टर फाइव का, नॉर्दर्न प्लेन्स का। तो फर्स्ट एक्टिविटी है माय टर्न फर्स्ट। मार्क एंड कलर इन द नॉर्दर्न प्लेन्स इन द मैप गिवन बिलो। अब देखिए, नॉर्दर्न प्लेन्स में हमने कौन कौन सी स्टेट्स के बारे में बात की थी, तो उसके बारे में हमें बताना है। तो हमने पंजाब की बात की, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। तो जो ये चीज़ें बताई हमने, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, वो कौन से में स्थित है हमारे, वो हमारे सतलज बेसिन में स्थित है। ओके, और हमारा जो नेक्स्ट है दिल्ली है हमारे, और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हमारे उत्तर, वेस्ट बंगाल, ये सबके पार्ट किधर की साइड में आ जाते हैं हमारे, कौन सी में आते हैं, गंगा बेसिन में आते हैं। क्लियर? तो सबको याद है ना ये चीज़ें, अभी हमने लेट्स रिमेम्बर में सब चीज़ों को डिस्कस किया था, तो ये आपको याद रखना। तो यहाँ पे आप लोकेटेड कर देंगे, यहाँ पे इसको बता देंगे कि स्थित है। एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन में कौन कौन सी थी हमारे, ब्रह्मपुत्र बेसिन में आसाम एंड त्रिपुरा आता है। ओके, आसाम एंड त्रिपुरा है हमारे, तो आसाम एंड त्रिपुरा। ओके, तो वो आपको इसमें बताना है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन इन डिटेल हाउ द रिवर्स फ्लोइंग थ्रू द नॉर्दर्न प्लेन्स मेक इट फर्टाइल। एक्सप्लेन करना डिटेल से कि कैसे रिवर्स फ्लोइंग होती है थ्रू द नॉर्दर्न प्लेन्स मेक इट फर्टाइल, और जिसके द्वारा नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो, जो जिसके द्वारा वो उपजाऊ बनते हैं, है ना। तो डिटेल बतानी है हमें कैसे रिवर्स का जो फ्लो होते हैं और जिसके जरिए नॉर्दर्न प्लेन्स को ये उपजाऊ बनाती है। तो आंसर क्या है, रिवर्स फ्लोइंग थ्रू द नॉर्दर्न प्लेन्स ब्रिंग विद देम ब्रोकन पीसीज ऑफ रॉक, सिल्ट, सैंड एंड अदर मटेरियल्स फ्रॉम द हिमालयस। रिवर्स फ्लो होती है तो वो नॉर्दर्न प्लेन से, तो वो अपने साथ में क्या लेके आती है, रॉक्स के टुकड़े लेके आती है, स्लीट भी लेके आती है, सैंड, मिट्टी और अन्य जो सामान होते हैं, तो वो कहाँ से लेके आती है, हिमालयस से लेके आती है। दिस मटेरियल्स आर डिपॉजिटेड बाई द रिवर्स इन द प्लेन्स। और ये मटेरियल्स को कहाँ पे डिपॉजिटेड कर दिया जाता है, जमा कर दिया जाता है नदियों के द्वारा, मैदानों में। और दिस मटेरियल इज कॉल्ड एलोवियम विच मेक्स द सॉइल ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स फर्टाइल। और ये जो मटेरियल होता है इसी को हम एलोवियम कहते हैं, जलोड़ कहते हैं, जो क्या करती है, जो मिट्टी को बनाती है, नॉर्दर्न प्लेन्स की मिट्टी को कैसे बनाती है, फर्टाइल बनाती है, उपजाऊ बनाती है। ओके, सेकेंड है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, सतलज बेसिन, गंगा बेसिन एंड द ब्रह्मपुत्र बेसिन। अब इसी को हम स्टडी करते हैं, लोकेटेड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। अब ये किधर की साइड स्थित है, नॉर्दर्न प्लेन्स में स्थित है, इन द वेस्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। अब सतलज बेसिन किधर की साइड स्थित है, वेस्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, बिटवीन सतलज एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन। ओके, तो ये अब जैसे गंगा बेसिन की हमने बात की, ये किसके बीच में है, सतलज और ब्रह्मपुत्र बेसिन के बीच में। एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स में। ओके, सेकेंड है, एनी टू स्टेट्स लोकेटेड हियर। अब हमें तीनों के, हमें बेसिन्स के बारे में, दो स्टेट्स के बारे में बताने जो यहाँ स्थित है। तो कौन कौन सी है, सतलज बेसिन में पंजाब और हरियाणा है, गंगा बेसिन में बिहार और वेस्ट बंगाल है, ब्रह्मपुत्र बेसिन में आसाम है और प्लेन एरियाज हैं त्रिपुरा के। ठीक है, टू मेन ऑक्यूपेशंस बताने, फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग। तो दो मेन ऑक्यूपेशंस कौन से हैं, फार्मिंग भी है और डेयरी फार्मिंग है। नेक्स्ट, गंगा बेसिन में फार्मिंग और डेयरी फार्मिंग, तो यहाँ पे भी यही वर्क होता है। एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन में फार्मिंग, वीविंग, कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ। तो वीविंग का वर्क होता है जो कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ पे किया जाता है। टू मेन क्रॉप्स कौन कौन सी होती है सतलुज बेसिन में, इनमें वीट एंड राइस। सतलुज बेसिन में भी क्या होता है, गेहूँ और चावल होते हैं, और गंगा बेसिन में भी वीट एंड राइस होता है। ब्रह्मपुत्र बेसिन में राइस भी होता है, जूट भी होता है। क्लाइमेट कैसा है यहाँ का, वेरी हॉट इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर। यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो बहुत, समर में तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। इन दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेरी हॉट इन द समर एंड वेरी कोल्ड इन द विंटर। ओके, विंटर्स आर कूल एंड समर्स आर हॉट एंड ह्यूमिड एंड हैवी रेन्स इन द रेनी सीजन। अब जैसे ब्रह्मपुत्र बेसिन में क्या होता है, विंटर्स तो कैसे रहते हैं, कूल और कूल रहता है, और समर्स कैसे होता है, हॉट और ह्यूमिड वाला होता है, और हैवी रेन्स भी होती है यहाँ पे रेनी सीजन में।
टू ट्रीज शीशम एंड यूकेलिप्टस एंड गंगा बेसिन में शीशम एंड अशोका. ब्रह्मपुत्र बेसिन में कौन सा है होते हैं ट्रीज जामुन एंड ऑर्चिड. टू वाइल्ड एनिमल्स के नेम बताने हैं तो सतलुज बेसिन में क्या क्या पाया जाता है ब्लैक बर्ग एंड किंगफिशर एंड गंगा बेसिन में सारस क्रेन एंड गंगा डॉल्फिन. गंगे ही डॉल्फिन होती है तो गंगा डॉल्फिन भी कह सकते हैं. और नेक्स्ट एशियन एलिफेंट एंड राइनासोर्स. ओके राइनासोर्स मीन्स क्या होता है गेंडा. नेक्स्ट माय टर्न थर्ड. राइट एनी टू वेज बाय विच द नॉर्दर्न प्लेन्स आर यूजफुल टू अस. नॉर्दर्न रिवर्स प्रोवाइड वाटर टू द फील्ड. अब देखिए हमें दो तरीके बताने हैं जो नॉर्दर्न प्लेन्स में यूजफुल होते हैं. तो आप सबको पता है कि नॉर्दर्न रिवर्स जो होती है अगर नॉर्दर्न में जो रिवर्स फ्लो होती है वो प्रोवाइड कराती है वाटर टू द फील्ड्स. किसके लिए कराती है फील्ड्स के लिए. दिस प्रोवाइड चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और उससे हमारे पास में क्या उपलब्ध होता है हमें ट्रांसपोर्ट का भी साधन उपलब्ध हो जाता है. ठीक है तो ये हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में ये यूजफुल है हमारे लिए. जब ये नदियाँ जो फॉलो होती है रिवर्स फॉलो होती है फ्लो होती है ना तो इससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है. राइट एनी टू वेज बाई विच ह्यूमन एक्टिविटीज आर हार्मिंग द रिवर्स. अब टू वेज बताने जो ह्यूमन एक्टिविटीज करती हैं ह्यूमन एक्टिविटीज होती है उससे हार्मिंग होता है रिवर्स को. तो ह्यूमन्स आर हार्मिंग रिवर्स बाई थ्रोइंग वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज इन टू दैम. ह्यूमन्स क्या करते हैं नुकसान पहुंचाते हैं. अब देखिए आपको पता है ना कि मानव ही तो सबसे ज़्यादा क्रिएट करता है. तो ह्यूमन्स आर हार्मिंग रिवर्स बाय थ्रोइंग वेस्ट. जब वो गंदा पानी फेंकते हैं या कुछ भी चीज़ों को वेस्ट मटेरियल को फेंकते हैं तो थ्रोइंग वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज इनटू देम. तो फैक्ट्रीज का जो भी वेस्टेज होता है वो उसमें पानी में डाल देते हैं. दे आल्सो स्पॉइल इदर रिवर वाटर बाय थ्रोइंग पूजा मटेरियल इनटू देम. और वो स्पॉइल करते हैं गंदा करते हैं पानी को नदी पानी को जो पानी में वो फेंक के पूजा मटेरियल होता है वो उसके अंदर डाल फेंक के भी वो गंदा करते हैं. राइट ए स्लोगन टू सेव वाटर रिवर्स. अब देखिए हमें रिवर्स को सेव करना चाहिए तो आपको स्लोगन लिखना है. तो यहाँ पे एक बॉक्स सा बना हुआ है तो आपको खुद को लिखना है. तो यहाँ पे मैंने लिख के बताया है कि टू बताएं आपको से नो टू रिवर पोल्यूशन. या आप ये भी कह सकते हैं कीप द रिवर क्लीन एंड अर्थ एवर ग्रीन. अब देखिए हमारी जो नदियाँ हैं साफ रहेगी तो हमारी पृथ्वी भी तो अच्छी रहेगी कि नहीं रहेगी. तो इसीलिए कीप द रिवर क्लीन एंड अर्थ एवर ग्रीन. ओके माई टर्न फोर पेरेंट गाइडेड एक्टिविटीज है. द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया. फाइंड आउट मोर अबाउट इट एंड राइट 5 सेंटेंसेस ऑन इट. देखिए नेशनल कैपिटल टेरिटरी की बात की थी दिल्ली की तो वो कहाँ नॉर्दर्न प्लेन्स में ही स्थित है. तो उसमें क्या कोई कुछ क्वालिटीज आपको बतानी है. तो देखिए क्या है इन द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली People work mostly in offices, banks, shops, etc. तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या काम करते हैं ऑफिस में वर्क करते हैं बैंक्स में वर्क करते हैं और शॉप पे वर्क करते हैं. ओके एंड सेकेंड होली ईद एंड दिवाली आर द मेन फेस्टिवल्स ऑफ दिस रीजन. यानी इस क्षेत्र का इस जगह का क्या है लोग बाग ज़्यादातर तो सभी फेवो करते हैं लेकिन होली ईद और दिवाली क्योंकि सभी लोग रहते हैं ना यहाँ पे तो ये सबको सेलिब्रेट करते हैं. विमन वियर साड़ीज एंड मैन वियर धोती कुर्ता और कुर्ता पजामा. तो आदमी जो है औरतें हैं जाते साड़ियाँ पहनती हैं और आदमी जो है धोती कुर्ता पहनते हैं कुर्ता पजामा पहनते हैं. फॉर इट इज़ हॉट एंड ह्यूमिड इन समर वाइल द विंटर मंथ्स आर कॉल्ड. अब देखिए यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और नमी भी बनी है वातावरण में जबकि सर्दियों का जो मौसम होता है वो ठंडा होता है. ओके तो हमने 4 सेंटेंस लिखे हैं यहाँ पे 5 सेंटेंस नहीं क्योंकि हमारी स्पेस कवर हो चुकी है. तो ओके स्टूडेंट तो आप इनको 4 को लर्न कर लेंगे. सेल्फ चेक. अब देखिए पॉइंट्स वी हैव डिस्कस पॉइंट्स वो हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं. तो कौन कौन से पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया इसमें. हाउ टू लोकेट द नॉर्दर्न प्लेन्स इन द मैप. अब नॉर्दर्न प्लेन्स का जब मैप को हम देखते हैं तो कैसे मतलब क्या क्या स्थित है इसमें. नॉर्दर्न प्लेन्स फीचर्स क्लाइमेट एंड प्लांट एंड एनिमल लाइफ. नॉर्दर्न प्लेन्स में हमने क्या क्या रीड किया उसके फीचर्स के बारे में जाना.
क्लाइमेट के बारे में भी जाना, प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स लाइफ के बारे में, तो ये सब डिस्कस किया कि नहीं किया हमने। तो अब आप कितना समझ पाइए मुझे आप लिख के बताएंगे इसमें। तो यहाँ पे आपको लिखना है, ओके, सेल्फ चेक करना कि यस मैम आई अंडरस्टैंड, यस मैम आई डोंट कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, हाँ मैम मैं पूरी तरह से नहीं समझ पाया। तो ये चीज़ों को आपको खुद को लिखना, खुद को जज करना है अपने। नॉर्दर्न प्लेन्स मैन ऑक्यूपेशन, नॉर्दर्न प्लेन्स में मुख्य व्यवसाय क्या क्या है वो भी हम रीड कर चुके हैं। एंड थ्रेड्स टू द रिवर्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़, अब देखिए ह्यूमन एक्टिविटीज़ के ही कारण हमारी जो नदियाँ हैं वो क्या हो रही हैं, ख़राब हो रही है। तो उसमें हमारे को थ्रेड्स हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो हमें भयभीत कर रही है, डरा रही है कि अगर हमारी नदियाँ इसी तरह से गंदी होगी तो बताइए आने वाले टाइम में क्या होगा। तो इसी तरह से हमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ को क्या करना है, रोकना है। और आप सबको पता है ना कि सेव वाटर करना है कि नहीं करना। तो उन सब जो भी एक्टिविटीज़, कभी आप भी घूमने जाएं तो ऐसे नहीं कि जो भी आपने कुछ खाया और उसी को पानी में डाल दिया, तो ये भी आपको भी नहीं करना है ऐसे। ओके स्टूडेंट, तो आज हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया अपना विथ प्रैक्टिस बुक। तो आप ये सब कम्प्लीटली अपनी प्रैक्टिस बुक में करेंगे। अगर आप कुछ स्टूडेंट्स अपनी बुक नहीं रखते हैं तो अपनी नोटबुक में कम्प्लीटली लिखेंगे अच्छी अच्छी राइटिंग। ओके एंड थैंक यू।